Good morning, students. This is Digvijay Singh. I'll be teaching you physics. So this is part 2 of the chapter Effects of Electric Current. So in chapter 1, I'm sorry, in session 1, so the chapter name is I'm writing in short, Effects of Electric Current. I think आप सब ने उसका first video देख लिया होगा. इसमें there are two effects we are going to read. दो effect है electric current के. पहला है heating effect of electric current, जिसका दूसरा नाम Joule's law भी है. ये हमने अपने पहले वीडियो में देख लिया. इसी में हमको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिली थी H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. शायद आप लोगों ने देखा होगा और होमवर्क भी सॉल्व किया होगा, आई होप सो. आज हम लोग सेकेंड इफेक्ट की बात करेंगे. आज का पूरा वीडियो हमारा सेकेंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट के ऊपर रहेगा. वॉट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, सॉरी व्हाट इज द सेकेंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट. फर्स्ट इफेक्ट इज ओके. सो या आई पुट द फोन ऑन डीएनडी मोड. ओके सो वी वर डिस्कसिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द सेकेंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो दैट सेकेंड इफेक्ट इज मैग्नेटिक इफेक्ट. तो आज का हमारा पूरा जो टॉपिक है, वीडियो है, वो इसी के ऊपर डिपेंड रहेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो जैसा हमने हीटिंग इफेक्ट में देखा था वैसे ही मैग्नेटिक इफेक्ट है. नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, इट्स क्वाइट सिंपल. जब भी किसी कंडक्टिंग वायर से, किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा किसी भी कंडक्टिंग वायर से, तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी. इस इफेक्ट को बोलेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सिंपल है. जैसे इससे पहले वाला था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. जब भी इलेक्ट्रिक वायर से, सॉरी कंडक्टिंग वायर से या किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता था तो वहां पे हीट जनरेट हो जाती थी. वैसे ये सेकेंड इफेक्ट क्या होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट. व्हेनेवर अ करंट विल फ्लो फ्रॉम अ कंडक्टिंग वायर और अ कंडक्टर, अ मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड अराउंड इट. सो एक मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड में जनरेट हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है. सो दिस विल बी नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट. अभी इसको समझाने के लिए आपके बुक में दो एक्सपेरिमेंट्स दिए गए हैं. पहला है जिसको हम बोलते हैं कंपास, या फिर हम लोग अपनी मैग्नेटिक नीडल. या सो मैग्नेटिक नीडल. सो अभी आपको पता होगा मैग्नेटिक कंपास या मैग्नेटिक नीडल में ये आपको ऐसा दिखता है और एक एरो की तरह रहता है वो. तो अगर आप एक बार मैग्नेट लेंगे, बार मैग्नेट में हमेशा दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल. आपको ये पता होगा हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ. तो अगर मैं मैग्नेटिक कंपास को यहां रखूंगा सो जो एरो है वो इस तरफ जाएगा, फिर मैग्नेटिक कंपास को जब यहां रखूंगा तो एरो है तो इस तरफ जाएगा. तो एरो जो है वो हमेशा साउथ सीकिंग रहता है, एरो जो है वो हमेशा साउथ सीकिंग रहता है. तो अगर मैं इस कंपास को या मैग्नेटिक नीडल को एक छोटू सा मैग्नेट बोलूं तो टेक्निकली ये साउथ सीकिंग है, मतलब ये नॉर्थ होना चाहिए. बिकॉज आपको ये रूल पता होगा, लाइक पोल्स अट्रैक्ट एंड अनलाइक पोल्स रिपेल. तो ये कुछ पुरानी चीजें हैं जो आपको सेवेंथ या एट्थ में पढ़ाई गई हैं, आपको याद होनी चाहिए, लाइक पोल्स अट्रैक्ट एंड अनलाइक पोल्स रिपेल. तो ये हाँ, तो ये तो मैंने आपको कंपास समझाया. तो एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट ये है कि मैं इसको आपको एक मिनट रब करके फिर से समझाता हूं.
ये तो मैंने आपको थ्योरी बता दी कि मैग्नेटिक कंपास और एक बार मैग्नेट कैसे काम करता है। सो वो एक्सपेरिमेंट ऐसा है, हम क्या करेंगे हम एक कंडक्टिंग वायर लेंगे और इसको आप इलेक्ट्रिक सर्किट के एंगल से समझाएं तो यहाँ पे एक बैटरी लगा दिया, यहाँ स्विच लगा दिया, बराबर। और आपको ये समझना है कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आप यहाँ पे एक बल्ब भी लगा दीजिए, ठीक है। अब अगर आपने यहाँ पे निडल रखा तो आपको ये पता होगा निडल के अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो वो बाय डिफॉल्ट हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ दिखाती है। लाइक अर्थ अगर ये प्लेनेट है तो नॉर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल ये है और अर्थ का ज्योग्राफिकल साउथ पोल ये है। तो अगर निडल हमें कुछ नहीं दिखाता है तो वो क्या दिखाता है, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ दिखाता है, नॉर्थ पोल। और क्यों है ऐसा, आपको ये भी शायद पता होगा, आपने पुरानी क्लासेस में पता है, नहीं तो अदरवाइज आई एम रिवाइजिंग। जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है वो मैग्नेटिक साउथ पोल है अर्थ का, और जो ज्योग्राफिकल साउथ पोल है वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है अर्थ का। सो अर्थ ऑल्सो एक्ट्स लाइक अ मैग्नेट, ये शायद आपको पता है, अर्थ ऑल्सो एक्ट्स लाइक अ मैग्नेट। तो अगर कुछ फील्ड नहीं होगी तो बाई डिफॉल्ट जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसके इन्फ्लुएंस में कंपास काम करता है, मैग्नेटिक निडल काम करता है। और अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड दूसरी प्रेजेंट होगी तो वो उसके अकॉर्डिंगली डिफ्लेक्शन दिखाएगा। ओके, तो एक मिनट में रब करता हूं। ओके, सो तो जैसे ही आप स्विच को ऑन करेंगे उसमें से करंट फ्लो होगा, जैसे ही करंट फ्लो होगा जो मैग्नेटिक निडल थी, सपोज ये नॉर्थ की तरफ दिखा रहा था, मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपको, तो ये इमीडिएटली डिफ्लेक्ट होगा, ये डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। जैसे ही आप स्विच को ऑफ करेंगे तो ये जो डिफ्लेक्शन हुआ था मैग्नेटिक निडल सपोज ऐसा था तो ऐसा हो जाएगा। और जैसे ही आपने स्विच ऑफ किया मतलब देयर इज नो करंट फ्लोइंग, जैसे ही देयर इज नो करंट फ्लोइंग वापस मैग्नेटिक निडल ये डिफ्लेक्टेड पोजीशन से वापस अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा नॉर्थ की तरफ। क्लिक कर रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूं। सो एज सून एज द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग, यहां पे अगर मैग्नेटिक निडल रखा हुआ था तो वो पहले नॉर्मल की तरह दिखा रहा होगा अगर स्विच ऑफ है तो, यहां बैटरी भी है सॉरी, तो अगर स्विच ऑफ है तो ये नॉर्थ की तरफ दिखा रहा है, जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तो ये डिफ्लेक्शन दिखाएगा, सपोज इस तरफ दिखा रहा है, और जैसे ही वापस आपने ऑफ किया फिर से ये नॉर्मल नॉर्थ पोल की तरफ हो जाएगा, ठीक है। अभी उन्होंने एक्सपेरिमेंट में सेकंड पार्ट क्या किया, अब इन्होंने बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दी, इन्होंने बैटरी को उल्टा कर दिया। बैटरी को उल्टा करने से क्या हुआ, आप पढ़ चुके नाइन्थ में, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम, टेक्निकली द इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, बट दैट इज ऑल्सो नोन एज कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो कन्वेंशनली हम हमेशा प्लस टू माइनस लेते हैं, याद होगा आपको नाइन्थ का फंडा। तो जैसे ही कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के एंगल से हमने देखा तो ये करंट का डायरेक्शन उल्टा हो गया, पहले यहां पे देखिए एरो ऐसा था, एरो कैसा हो गया, उल्टा हो गया। अब अगर मैंने स्विच ऑफ किया तो वापस नॉर्थ पोल है, और अब मैंने अगर स्विच ऑन किया तो ये इस बार डिफ्लेक्शन होगा पर इस तरफ ना होके इस तरफ होगा। आर यू एबल टू गेट इट? सो इस बार हमने देर इज अ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। जब करंट का डायरेक्शन मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं, जब करंट का डायरेक्शन मैंने उल्टा किया तो डिफ्लेक्शन भी अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। और जब यही डायरेक्शन मैं ब्लू वाला पेन से जो दिखा रहा हूं, जब यही डायरेक्शन इस तरफ था करंट का, मतलब बैटरी ऐसे थी, ये प्लस था ये माइनस था, तो आपका डिविएशन जो है डिफ्लेक्शन है मैग्नेटिक निडल का इस तरफ हो रहा है। तो बेसिकली इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट से समझ में आया इनको कि जब भी हम जैसे ही करंट फ्लो कर रहे हैं देयर इज सम मैग्नेटिक फील्ड, नहीं तो क्यों मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट करेगा, मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट कर रहा है दैट मींस देयर इज सम मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। और यही तो हमारा प्रूफ था कि व्हेनेवर करंट फ्लोस देयर इज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो बेसिकली ये प्रूफ हो गया। फिर इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया है, दैट इज एक्सपेरिमेंट नंबर टू। ये एक्सपेरिमेंट है आयरन फाइलिंग्स का।
आयरन फाइलिंग्स मतलब हम अपने देसी भाषा में मैं आपको समझाऊं, आपने कभी कारपेंटर को काम करते देखा होगा, तो आजकल तो खैर नई मशीन्स आ गई हैं, सब इलेक्ट्रॉनिक है, बट इवन उसमें भी एक जब लकड़ी को वो काटता है तो उसके अंदर से एक ना वो थोड़ा सा पाउडर जैसा निकलता है लकड़ी का, उसको हम लोग हिंदी में बूरा बोलते हैं, आई डोंट नो मराठी में एग्जैक्टली व्हाट यू पीपल से, बट वो जो हिंदी में उसका बूरा रहता है ना, लाइक आप लकड़ी को काटेंगे तो उसका वो जो एकदम माइन्यूट फॉर्म में पाउडर की तरह निकलेगा, तो वो पाउडर से थोड़ा सा ऊपर अगर आप उसमें जाएंगे ना तो इट्स लाइक थोड़ा सा रफ, मतलब छोटू छोटू लकड़ा, छोटू छोटू लकड़ा, रेशे रेशे। सो वैसे आयरन फाइलिंग्स इज लाइक अगर आप आयरन को बहुत छोटा 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 टुकड़ा करो, आप उसको एकदम ग्राइंड कर दो बेसिकली, एकदम ऐसे वो कस दो जैसे हम लोग अदरक को कसते ना मसाले में, तो हमको छोटू 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 ऐसे ऐसे आयरन के जो टुकड़े मिलेंगे ना, मतलब समझ लीजिए सुई है, सुई को आप बहुत छोटे छोटे टुकड़े कीजिए, बहुत पतले बहुत छोटे, एकदम आयरन फाइलिंग्स। तो ये आयरन फाइलिंग्स का क्या पर्पस है, इसका भी उन्होंने वही एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया, एक कार्डबोर्ड लिया बड़ा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा डायग्राम, और ये सब डायग्राम्स आपके बुक में है बाय द वे, मैं आपको पेज नंबर और वो बताऊंगा तो आपको दिखेंगे वो डायग्राम्स। तो उन्होंने कार्डबोर्ड लिया, उस कार्डबोर्ड में उन्होंने ऐसे 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 आयरन फाइलिंग्स डाल दी बहुत सारी, उसको बिखेर दिया पूरा चारों तरफ। अब इसके अंदर से आपको शायद ये 3D में क्लिक कर रहा है क्या, आपने एक पेपर लिया और पेपर के अंदर से मतलब थ्रू इट ये ऐसा फाड़ के इसके अंदर जाएगा, ऐसा इसके अंदर, अगर ये पेपर है तो फाड़ के इसके अंदर आगे पीछे क्लिक कर रहा है आपको, पेपर को मैं वर्टिकल डायरेक्शन दिखा रहा हूं तो पूरा आर पार, तो वैसे उसके अंदर से एक वायर को उन्होंने पास किया। तो मैं वायर को दूसरा कलर लेता हूं, नहीं तो फिर से कंफ्यूजन हो जाएगा। ये सपोज मेरा वायर है, यहां से मैंने एक छेद किया, उस छेद में से मैंने इस वायर को किया, अब वायर वापस इस वायर को मैं इलेक्ट्रिक बोर्ड की एक तरह कनेक्ट कर देता हूं, यहां पे बैटरी यहां पे स्विच, ठीक है। तो जैसे ही मैं इस स्विच को ऑन करता हूं, जैसे ही मैं स्विच को ऑन करता हूं और थोड़ा थोड़ा इस कार्डबोर्ड को टैप करता हूं धीरे 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 धीरे, वो आपने अगर घर में कभी कुछ वो ऐसा चावल साफ किए हैं या कोई छोटी चीज आती है ना राई का दाना, उसको आप हल्का 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 से टैप करोगे तो वो अपने आप से यूनिफॉर्मली शेप में आने लगता है, वो अपने आप से सेट होने लगते हैं, सब चीजों को सेट करना होता है, हम लोग उसको धीरे 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 ऐसे ऐसे हिलाते हैं तो अपने आप सेट हो जाता है। तो वैसे ही मुझे इस कार्डबोर्ड को हल्का 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 टैप करना है, तो थोड़ी देर में उन्होंने क्या पाया कि धीरे 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 उन्होंने देखा ये सब जो आयरन फाइलिंग्स थे ना ये ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के शेप में आ गए, जो ऐसी रैंडम पड़े हुए थे वो सब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के शेप में आ गए। तो ये जो है ये एक्सपेरिमेंट अगेन फिर उनको समझाता है कि जैसे ही करंट पास हुआ, स्विच ऑन हुआ, करंट पास हुआ तो उसकी वजह से ये आयरन फाइलिंग्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही, क्योंकि आपको पता है आयरन मैग्नेटिक मटेरियल है, अगर मैग्नेटिक प्रेजेंस होगी तो आयरन अपना इफेक्ट दिखाएगा। तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट से हमको समझ में आया कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो या सो ओके, यही आज का मतलब, हम लोग थोड़ा वीडियो छोटे ही रखते हैं क्योंकि क्वालिटी फिर उसकी बहुत चेंज हो रही है और अपलोडिंग में बहुत तकलीफ होती है। सो आई विल जस्ट समराइज, सो टुडे वी हैव रेड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, जैसे ही करंट पास होगा देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, और उसके लिए हमने दो एक्सपेरिमेंट्स देखे कि कैसे मैग्नेटिक कंपास जो है डिफ्लेक्ट होता है, तो वो डिफ्लेक्शन करंट के डायरेक्शन में डिपेंड करता है, एंड सेकेंड एक आयरन फाइलिंग का भी हमने वीडियो देखा। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस करंट और जो डिफ्लेक्शन है इसमें कोई कोरिलेशन है क्या, तो जी हाँ कोरिलेशन है, यू कैन फाइंड आउट इन विच डायरेक्शन द मैग्नेटिक फील्ड विल बी, वो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा कि कौन सी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कैसे फ्लो करेगी, तो वो हम लोग अपना नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।